इन माई 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग करियर आई हैव नोटिस्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, मुझे उस स्टूडेंट से लिटरली प्यार हो जाता है, लिटरली प्यार, आई फॉल इन लव विद दैट स्टूडेंट जो कि डायग्राम्स बनाता है, चाहे वो फार्मा हो फिजियोपैथ हो, बिकॉज आई जस्ट लव डायग्राम्स एंड अ पिक्चर स्पीक्स अ थाउजेंड वर्ड्स। ये डायग्राम कंठस्थ कर लीजिए समरी में, मैं जानता हूँ आप लोग बोलोगे सर ये गाइडलाइन सब इतना नहीं याद होगा एम बी बी एस के लेवल पे, बट एम डी में आपको ऐसा पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप एम डी मेडिसिन करो चाहे एम डी फार्माकोलॉजी करो। सो नाउ मैचिंग फार्माकोलॉजी टू पैथोफिजियोलॉजी, लिवर में इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है हमको वही तो कम करना है, तो उसके थेरेपी में हम क्या दे सकते हैं, बायगोनाइट्स विच बेसिकली एक्ट बाय इनहिबिटिंग हेपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, फिर दे सकते हैं थाइजोलिडिन डायोन्स, रोसिग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, ठीक है। पैनक्रियाज में क्या हो रहा है, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इज डिक्रीज, ठीक, तो थेरेपी के लिए सल्फोनिल यूरियाज विच आर सिक्रीटा गॉग्स, या मेग्लिटिनाइड एनालॉग्स, रिपाग्लिनाइड, नाटेग्लिनाइड, इंसुलिन है ही है, ठीक है, इंसुलिन एनालॉग्स, लिस्प्रो, एस्पर्ट, वो सब मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग वंस, ठीक। फिर थेरेपी में फिजिकल एक्टिविटी, थाइजोलिडिन डायोन्स, बाइगुआनाइड्स, मेटफॉर्मिन, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस, बार बार लिख रहा हूँ भूलना मत यार, इतनी बार बता दिया है, ठीक। फिर देर इज डिक्रीज्ड पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक, तो हम चाहते हैं बढ़े ये अपटेक, तो पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज करने के लिए हम ये चीज़ें देंगे ताकि एडिपोज टिश्यू और मसल में ग्लूकोज अपटेक बढ़े, विच इज डन बाय द ट्रांसपोर्टर, कौन सा है बोलो जल्दी, अरे वाह क्या बात है, नॉट बैड, GLUT4, ठीक है। फिर इंटेस्टीन में क्या होता है, ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, तो पता है न्यूट्रिशन डाइट कंट्रोल कर लो, नहीं तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जो मैंने मेविस बताया था, मिग्लिटॉल, ए कार्बोज एंड वॉग्लीबोज, ठीक, ये सब दे दिया। तो उसके बाद अगर आपको कीड़ा है, जैसे मुझे कीड़ा था, कीड़ा है डायग्राम बनाने का और कलरफुल डायग्राम बनाने का कीड़ा है, तो इसको कंठस्थ कर लीजिए, ब्यूटीफुल कलर डायग्राम, और ऐसे बनाओगे तो मज़ा आ जाएगा। जैसे एनाटॉमी तो सब लोग कलर्ड पेंसिल्स यूज़ करते ही हैं, फार्मा में यूज़ करिए तो क्या बात होगी, वारे न्यारे हो जाएंगे हम लोग, तो तबीयत हमारी खुश हो जाएगी देख के, ठीक, ऐसे ब्यूटीफुल खूबसूरत कलर डायग्राम। बायगोनाइट, थाइजोलिडिन डायोन्स, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी इन द एडिपोज टिश्यू एंड स्केलेटल मसल, ठीक। बायगोनाइट्स में आ जाती है मेटफॉर्मिन, थाइजोलिडिन डायोन्स में रोसिग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन। डिक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द लिवर, दिस इज डन बेसिकली बाय मेटफॉर्मिन, इनहिबिट्स हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक। SGLT2 inhibitors बता ही चुका हूँ सारे, ग्लीफ्लोजन, कैनाग्लीफ्लोजन, एम्पाग्लीफ्लोजन, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज लाइक ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर, डिक्रीज ग्लूकोज रिजॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स बता ही चुका हूँ, मिग्लिटॉल, ए कार्बोज, वॉग्लीबोज। मेविस की शटल से बैडमिंटन इज माई फेवरेट फॉर बैडमिंटन, आई वॉज अ बैड बैड बॉय इन बैडमिंटन, बैड बॉय मतलब अच्छा खेलता था, ठीक है, बैडी, बैडी कहते थे, बैडी खेलना है करो बैडी कॉलेज में, मेविस, ठीक है। फिर GLP-1 एनालॉग्स, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 एनालॉग्स, डाइपेप्टाइड पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स आर ऑल द ग्लिप्टन्स, टेनिनीग्लिप्टन, सीटाग्लिप्टन, विल्डीग्लिप्टन, अमाइलिन एनालॉग्स, प्रामलिनटाइड, प्रामलिनटाइड, ठीक, दे बेसिकली डिक्रीज द रिलीज ऑफ ग्लूकागोन फ्रॉम पैनक्रियाज, अल्फा सेल्स, डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग, ठीक है। बाद में सल्फोनिल यूरियाज, मेग्लिटिनाइड, GLP-1 एगोनिस्ट, ठीक है, एंड इंक्रीज्ड इंसुलिन सिक्रीशन। अब आप बोलोगे सर वो गाइडलाइन से बहुत डिफिकल्ट था, तो ये बहुत सिंप्लीफाइड चार्ट है जो आप ड्रॉ कर सकते हो। पेशेंट आता है टाइप 2 डायबिटीज़ का, एक इंडिविजुअलाइज ग्लाइसेमिक गोल कोई भी सिलेक्ट कर सकता है जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन है, मेडिकल, अब तो डायबिटोलॉजिस्ट आ गए हैं, ठीक है, इस पर फेलोशिप के बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, ग्रेट एवेन्यूज फॉर पीपल, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा थोड़ा भाग भाग सा, थोड़ा थोड़ा भाग भाग सा, थोड़ा थोड़ा भाग भाग सा, थोड़ा वक्त ये सख्त है, थोड़ा थोड़ा वेट लॉस प्लस मेटफॉर्मिन, तो वेट लॉस में हेल्प, वैसे तो वेट न्यूट्रल होती है वो,
देन फिर रीअसेस करिए एच बी ए वन सी को। देखो एच बी ए वन सी मैंने बताया था गोल्ड स्टैंडर्ड, इसी को बार बार रीअसेस किया जा रहा है कॉम्बिनेशन थेरेपी में मेटफॉर्मिन के साथ कोई और सेकेंड एजेंट, इतने सारे डिस्कस किए हैं, फिर रीअसेस किया फिर भी नहीं हुआ तो कॉम्बिनेशन थेरेपी में मेटफॉर्मिन प्लस दो और मतलब ट्रिपल थेरेपी, फिर रीअसेस किया एच बी ए वन सी और फिर भी नहीं हुआ तब इंसुलिन एंड में ऐड कर दिया। सो दिस फिनिशेस द समरी।